आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि द ग्रेन ऑइल सीड्स राईस असोसिएशन म्हणजेच ग्रोमा यांच्या वतीनं GST या विषयावर एका सेमिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सेमिनारमध्ये GST चे कमिशनर जे बेलापूर इथे बसतात यांच्या मार्गदर्शनाने GST वर एक मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. एकंदरीत पाहायला गेलं तर यामध्ये उपस्थित व्यापाऱ्यांनी जो GST मध्ये ब्रँडेड अन्नधान्य आहेत त्यांच्यावर 5% जो GST लागू केलेला आहे ते सरसकट 0% आणावं, आणि दुसऱ्या ज्या मुख्य बाबी आहेत कन्क्लुजन आहे किंवा संभ्रमता आहे या GST विधेयकावर GST टॅक्सवर ते टॅक्स कशाप्रकारे वेगळं असेल किंवा कशाप्रकारे आपण त्याच्यावर तोडगा काढू शकतो या संदर्भातलं अधिक विश्लेषण या सेमिनारमध्ये करण्यात आलं. एकंदरीत पाहायला गेलं तर यामुळे कुठेतरी व्यापाऱ्यांमध्ये असणारा संभ्रम कुठेतरी या माध्यमातून नाहीसा झालेला दिसून आला. व्यापाऱ्यांनी देखील आपला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या सेमिनारसाठी लावला. RK मिश्रा जे कमिशनर आहेत आयुक्त आहेत त्यांनी त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. पाहू त्या संदर्भातला एक विशेष रिपोर्ट. IMC चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि द ग्रेन ऑइल सीड्स राईस असोसिएशन म्हणजेच ग्रोमा यांच्या वतीनं GST या विषयावर एका सेमिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सेमिनारमध्ये GST चे कमिशनर जे बेलापूर इथे बसतात यांच्या मार्गदर्शनाने GST वर एक मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. एकंदरीत पाहायला गेलं तर यामध्ये उपस्थित व्यापाऱ्यांनी जो GST मध्ये ब्रँडेड अन्नधान्य आहेत त्यांच्यावर 5% जो GST लागू केलेला आहे ते सरसकट 0% आणावं, आणि दुसऱ्या ज्या मुख्य बाबी आहेत कन्क्लुजन आहे किंवा संभ्रमता आहे या GST विधेयकावर GST टॅक्सवर ते टॅक्स कशाप्रकारे वेगळं असेल किंवा कशाप्रकारे आपण त्याच्यावर तोडगा काढू शकतो या संदर्भातलं अधिक विश्लेषण या सेमिनारमध्ये करण्यात आलं. एकंदरीत पाहायला गेलं तर यामुळे कुठेतरी व्यापाऱ्यांमध्ये असणारा संभ्रम कुठेतरी या माध्यमातून नाहीसा झालेला दिसून आला. व्यापाऱ्यांनी देखील आपला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या सेमिनारसाठी लावला. RK मिश्रा जे कमिशनर आहेत आयुक्त आहेत त्यांनी त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. पाहू त्या संदर्भातला एक विशेष रिपोर्ट. अंडरस्टैंड आपके यहाँ काफी सारे सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? ये तीनों एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाते हैं, GST से बाहर हो, रेट उसका जीरो हो, या फिर जितना भी रेट हो एग्जेम्प्शन से माफ कर दिया गया हो. अगर इस तरह के एग्जेम्प्ट सप्लाई आप करते हैं और सिर्फ इसी तरह का करते हैं, अगर 99% एग्जेम्प्टेड करते हैं और 1% भी अगर टैक्सेबल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको लेना है. अगर 100% एग्जेम्प्टेड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको लेने की जरूरत नहीं. देखिए ऐसा है, सब लोग जानते हैं कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई से हमारे देश में लागू हुआ है. पहली बार हमारे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सहयोगी रहने वाला है. और ट्रेड और इंडस्ट्री को एक जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फील इस टैक्स स्ट्रक्चर से आने वाला है. मैं इंडियन मर्चेंट चैम्बर नवी मुंबई का चेयरमैन, मेरी सहयोगी को चेयरमैन किसी देश का शिरके हैं. इंडियन मर्चेंट चैम्बर का काम ही ये है कि ट्रेड और इंडस्ट्री है उसके लिए हम जो भी सहयोग कर सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या एक्साइज डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट हो गया है, उनके साथ में उनका एक लाइसेंस डेवलप करवाया और जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो भी उनको नए कुछ रूल आते हैं, नए टैक्सेशन सिस्टम आता है उसके बारे में भी जानना, उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना. आज का इवेंट हमने GST कमिश्नर बेलापुर हैं उनके सहयोग से ग्रोमा ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के लिए आयोजित किया है, और इसमें उनके अलग अलग तरह के क्वेश्चन से उनके ट्रेड से रिलेटेड GST के ऊपर कमिश्नर साहब अपनी टीम के साथ खुद आए हुए हैं, और वो ग्रोमा के जितने मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के क्वेश्चन के समान सके. या जिस तरह की भी जानकारी नए लोगों को चाहिए जो कि GST के दायरे में आ रहे हैं, उनको उनके यहाँ जाके ये जानकारी देना हमारा धर्म है.
और उसी सिलसिले में हम लोग पूरी जोश से ये कार्रवाई कर रहे हैं और इसके सिलसिले में एसोसिएशन की तरफ से जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आ रही हैं ये पहल हम खुद कर रहे हैं और उनके पास जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन ग्रोमा, जो कि 117 साल पुराना एक एसोसिएशन है, उसके सदस्यों ने इतनी बड़ी संख्या में आज के सेमिनार में जीएसटी के बारे में बहुत समझदारी के प्रश्न उठाए, जिनको मेरे बेलापुर जीएसटी कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बहुत अच्छी से उनके आंसर्स दिए। और जो उनकी ऐसी नीतिगत समस्याएं हैं उनके विषय में उनका जो प्रतिवेदन है, अगर वो हमें प्राप्त होता है तो उसके बारे में इसको सही जगह पे जरूर भेजा जाएगा। और मुझे मीडिया से ये अपील करनी है कि आप जीएसटी के विषय में जितनी अवेयरनेस बढ़ा सकें, और ये बहुत ही सिंपल सा एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी को समस्या आनी नहीं चाहिए। हमारा पूरा ये ऐसा मंतव्य है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द सही ढंग से इसको लोगों के, जिनको रिटर्न फाइल करना है, जिनको कोई समस्या किसी तरह की समझदारी की आ रही है, वो हम उनको दूर करें। हमने ग्रोमा की तरफ से ये अपील की है कि आप जो गेहूं चावल दालों के ऊपर जो 5% ब्रांडेड के ऊपर आप लगा रहे हो, उसको आपके माध्यम से आप भी अपील करके, हम भी अपील करके उसको एग्जाम जीरो में लाया जाए। उससे गरीबों को फायदा होगा और जो सरकार की जो साख है वो और बढ़ेगी, गरीबों को अनाज सस्ता मिलेगा और जो हमारा प्रॉफिट 1.5% है ब्रांडेड के ऊपर भी आप 5% लगाने से और गरीबों के ऊपर बहुत बढ़ेगा। तो हमने आपके मार्फत यही कहा है कि आप सरकार को ये अवगत करावे कि इसको 0% में लाया जाए और इसके प्रति कैसा फॉर्म है उसकी जागरूकता आपने बताई है, वो हमने ग्रोमा के व्यापारियों को बताई है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है, आगे क्या होता है वो देखते हैं। बहुत अच्छा हुआ यहाँ के नवी मुंबई के जो कमिश्नर मिश्रा जी, इन्होंने बहुत अच्छा जीएसटी के विषय में कैसे इनवॉइस करना, इसके सिवाय जो बहुत सारे जो छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेश की। व्यापारी काफ़ी प्रश्न वहाँ पर उनको पूछा है और उसका जो प्रश्न हमारा क्वेश्चनर हमने तैयार कर पहले से भेज दिया था, तो उनको जवाब वो लेकर यहाँ पर आए थे। कुछ द्विधा है और भी, वो द्विधा बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। कुछ रिप्रेजेंटेशन हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे और उधर से कुछ खुलासा हो जाएगा तो अच्छा है। वैसे देखा जाए तो जीएसटी आने, क्योंकि पहले अनाज और इसके ऊपर कोई टैक्स था नहीं और अभी ये ब्रांडेड के ऊपर टैक्स लादने के बाद और जीएसटी की बहुत सारी कलमें हैं वो हमको लागू होती है, इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो धीरे धीरे दूर होता है, नहीं होगा तो और हम कोशिश, और ये दूर नहीं है, हम इनको फिर से मिलेंगे, फिर इसका हल करेंगे।